हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। ओके, आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर के फीलिंग्स यहाँ पर हम देखेंगे। गाइस, ये सन मून साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर चार्जेस पता चल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम में, वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। मे बी कुछ ना कुछ गाइडलाइन आपको जरूर मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी जेमिनी, आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, टू ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पर कार्ड्स इस तरह आए हैं कि आप अपने इस पर्सन को, जो भी पर्सन है, आप इस पर्सन के लिए इनके साथ में डायरेक्ट मैरिज करने के लिए रेडी है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अब जो भी हो चुका है या जो भी मीन्स टाइम गया है या बहुत कुछ गया है, सो आप यहाँ पर ये पर्सन के लिए मैरिज के लिए रेडी हो। थोड़ा सा साउंड एडजस्ट कर लेना गाइज। ओके, सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए यहाँ पर रेडी हो। आप चाहते हो डिवाइन के तरफ से कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी, यहाँ पर समथिंग ऐसा कुछ चेंज हो जाए, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए कि दोनों आप कहीं ना कहीं मिलो या कहीं ना कहीं आप उनसे बात करो, अपनी फीलिंग्स रखो और उनको आप वो पूरी तरह अपनी बातें उनको शेयर करो। ये एनर्जी यहाँ पर जेमिनी आपके आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि आप इनको ये बताना, यानी क्या है कि आप, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर, ओके, यानी जेमिनी अगर यहाँ पर किसी इल्यूजन में है या कोई ड्रामा में या ट्रॉमा में फंस चुके हैं, तो वो क्लियर करना चाहते हो आप। ओके, या आप ये भी क्लियर करना चाहते हो कि मैं सामने वाले पर्सन को कोई नाटक नहीं कर रही हूँ या ड्रामा नहीं कर रही हूँ। ओके, इस तरह यानी आप उनको भी इस इल्यूजन से निकालना चाह रहे हो या उनको क्लियरिटी देना चाह रहे हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो मैं रियल प्यार करता हूँ या रियलिटी है कि मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ, तो आप ट्रस्ट रखिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। ओके, आप ये पर्सन को जो भी ड्रीम्स है आपकी फ्यूचर के लिए, ओके, वो ड्रीम्स देखना चाहते हो। आप हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हो। आप चाहते हो जो भी परिस्थिति में मेरे पार्टनर होंगे, वो परिस्थिति उनकी जो भी होगी मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और मैं इस रिलेशनशिप को पूरे मीन्स पूरे लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए मैं क्या कहते हैं, झेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या कह सकते हैं कि मैं निभाना चाहता हूँ। ओके, लाइक दिस। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और आप यहाँ पर अपने फिर से रीथॉट्स, आप थॉट्स पर, अपने थॉट्स पर, अपने इंट्यूशंस को फिर से फॉलो कर रहे हो, फिर से उसको सोच रहे हो, फिर से उसको याद कर रहे हो कि भाई कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है कि रिलेशन निभाते हुए कोई किस तरह से कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए, इसकी केयर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है। सो आप कम्प्लीटली रेडी हो मैरिज के लिए, कि कम्प्लीटली रेडी हो, आप चाहते हो कि बस यहाँ पर मैरिज हो जाए। ओके, इस तरह के यहाँ पर एनर्जी है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, जस्टिस, डेविल,
ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ओके 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 सो गाइस ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन की यहाँ पर सी ये पर्सन यहाँ पर चेंज हो रहा है या ये पर्सन यहाँ पर अपने जीवन के लिए यानी अपने आप के लिए यहाँ पर जस्टिस देना चाह रहा है ओके यहाँ पर इस तरह एनर्जी आ रही है और ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ओके ये पर्सन आपके तरफ ना आते हुए आपसे मूव ऑन हो रहा है आई डोंट नो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है ओके बिल्कुल अपोजिट है आपके बिल्कुल अपोजिट है ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको कभी मिलता नहीं है या आपसे बात नहीं करता है या आपसे जो भी है बट ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर शायद उस तरह की एनर्जी इनको नहीं मिल रही है या उनको आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं आ रही है इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है ये पर्सन यहाँ पर फ्रेंडशिप आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहेगा बट यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट अभी देना नहीं चाहता है ना ये सिचुएशन में अभी ये रहना चाहता है इस तरह की एनर्जी आ रही है ओके सो ये पर्सन जो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स सो यहाँ पर ये पर्सन टाइम लगाना चाहता है या टाइम ले सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है और ये पर्सन पहले अपनी लाइफ को यानी इनके लाइफ में जो भी पर्सन होंगे या जो भी लोग होंगे उनके लिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं उनको यहाँ पर वो नॉक नॉक करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर वो टेस्ट करना चाह रहे हैं इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है सॉरी गाइस जो आ रहा है मैं बता रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आ रही या आपके मिसिंग पॉइंट इनको याद नहीं आ रहे हैं वो सब है बट ये पर्सन की एनर्जी जो है पूरी तरह मूव फॉरवर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ओके यानी यहाँ पर ये कार्ड ने डेविल कार्ड ने यहाँ पर ये दिखा दिया कि ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में अब जकड़ना नहीं चाहता है ओके या रुकना नहीं चाहता है हम ये कह सकते हैं अभी ये फीलिंग्स अभी रख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि मैं कहीं और बन चुका हूँ या कहीं और बंधने जा रहा हूँ या कहीं और मेरा दिल है पहले वो तो मैं चेक कर लूँ पहले वो तो मैं देख लूँ यानी ये यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऑप्शन करके यहाँ पर जिस रख रहे हैं इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है जो क्लियर आ रहा है मैं वही क्लियर यहाँ पर बता रही हूँ गाइस ओके कि यहाँ पर अभी तक उन्होंने वो गेट आपके लिए नहीं खोल पा रहे या वो इमोशंस नहीं खोल पा रहे हैं जो कि आप यहाँ पर जो रेडी हो रहे हो यहाँ पर जो आप एग्जैक्टली आपकी जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप उनको सच्चाई बताना चाहते हो कि मैं यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ या कोई मैं यहाँ पर कोई ड्रीम या कोई जैसे फेक आईडी करके आपके साथ में मैं आपको प्रपोज नहीं कर रहा हूँ मैं रियल में आपसे प्यार करता हूँ बट ये पर्सन उस तरह से नहीं मान रहा है जिस तरह से आप इनको मनाना चाह रहे हैं इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर जेमिनी आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन डिवाइन के तरफ से क्या गाइडलाइन आती है इस रिलेशनशिप के लिए क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये पर्सन जस्टिस यानी चेंज होते जा रहा है धीरे 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 चेंज होते जा रहा है धीरे 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 अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को वो माप रहा है या कंपेयर कर रहा है आपके और किसी और के इसमें इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है ओके और इनको यहाँ पर ऐसा है कि ठीक है आप आ रहे हो उनके साथ में घूम रहे हो ये जो भी है ओके बाकी ये यहाँ पर कुछ भी एक्शन लेते हुए या फीलिंग्स रखते हुए नहीं देख रहे हैं दिखाई दे रहे हैं इस तरह की एनर्जी है हाँ इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ आप इनके रिलेशन में या आप इनके बंधन में बन चुके हो या बंधन कह सकते हो यानी हम कहते हैं ना कि आप इनके इसमें ट्रैप हो चुके हो ओके ये इनको कंफर्मेशन है तो इनको यहाँ पर लग रहा है कि आप अभी इनको छोड़कर तो नहीं जाओगे ओके सो तब तक मैं थोड़ा सा
अपने लाइफ को चेक कर लो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या एनर्जी है, इवन क्या यहाँ पर गाइडलाइन देना चाहते हैं। ओके गाइज, आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर मैं ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक ये जो भी चल रहा है आपके साथ में, ओके सो यहाँ पर आप टेम्पररी पॉज ले लीजिए, ओके बड़ा सा पॉज ले लीजिए और इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलिए, अपने आप को खुशी की तरफ लेकर जाइए, अपने आप को चेंज कीजिए और अपने जीवन के लिए बेहतर बनिए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप जितना वेट कर रहे हो यहाँ पर, जितना भी वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, आ जाएंगे, ओके तब आप इनको प्रपोज करोगे, तब आप इनको अपनी बातें बताओगे। सो डिवाइन यहाँ पर आपको जजमेंट देना चाह रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है कि आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर आपके रियल सोलमेट दिए जाएंगे या रियल सोलमेट की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ओके आप इनको कितने कितने दिन तक इनको मनाते रहोगे, कितने टाइम तक आप इनको मनाते रहोगे, इनको इनको इस तरह से मनाओगे, उनको उस तरह से मनाओगे, और ये है कि बस मना मानते ही जा रहे हैं या मनते ही जा रहे हैं बट एग्री नहीं हो रहे हैं, ओके एग्री नहीं हो रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप अपने एफर्ट्स जा रहे हो, ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपके उस फीलिंग्स को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर चॉइसेस या ऑप्शंस रख रहे हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर गाइडलाइन यही दे रहे हैं कि आपको आगे निकलना है अपने अपने सही ट्रू सोलमेट के लिए और सही जीवन के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, यहाँ पर इस तरह से गाइडलाइन आई है। ओके सो जिनको लेना है वो लीजिएगा और जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने रखिएगा। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।